नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो आपको एक्सरसाइज में दिए हैं पेज 1.7 की कूद के ऊपर। तो कोई प्रॉब्लम्स हैं लेकिन से फर्स्ट प्रॉब्लम जिसमें आपको मेंशन किया गया, देखो ए बी सी हु आर इक्वल पार्टनर्स हैं। उसमें तीन पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, इक्वल मीन्स उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:1। तो गे एडमिट डी, तो डी का शेयर है 1/4 एंड डी विल ब्रिंग 6,000 गुडविल एंड 10,000 कैपिटल। तो डी ब्रिंग्स 6,000 गुडविल एंड 10,000 कैपिटल। तो इतनी डी कैश में लेकर आ रहे हैं तो सैक्रीफाइज रेशो भी सेम रहेगी क्योंकि डी का शेयर किया है 1/4 एंड 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विदड्रॉन बाय ऑल पार्टनर। जो हाफ गुडविल है वो फिर पार्टनर विदड्रॉ कर लेंगे। स्टॉक एंड फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है, लाइबिलिटी अपनी क्रिएट करनी है बिल डिस्काउंट की एंड गेट द बिल्डिंग बी वैल्यू गेट ऑफ 40,000 एंड वैल्यू लाइबिलिटीज एंड एसेट्स अगर गैन कैश आर नोट टू बी आर्कल। इसमें अपने एसेट्स की वैल्यू को चेंज नहीं करना है, लाइबिलिटीज को। इट मीन हम प्रिपेयर करेंगे मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन को आपको एंट्री बनानी है रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस शीट। तो पहले गुडविल की कैश को एडजस्टमेंट करके कैश अकाउंट कैपिटल टू डी कैपिटल अकाउंट। मैं शोर्स में लिख रहा हूँ, डी पूरा लिखना है वैसे अपने कैपिटल अकाउंट को। 16,000 कैश आ रहा है आपके पास, फिर डी से जो गुडविल आ रही है वो ट्रांसफ़र कर दो ए बी सी में, उनकी सैक्रीफाइस रेशो 1:1:1 में। गुडविल का शेयर है 6,000, सो इट विल बी 2,000 ईच। अब इसमें से हाफ गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर लिया है पार्टनर्स ने, उनको पे कर दो कैश में ए बी सी को। बैलेंस शीट में चेक करो देखो कैश है या बैंक है आपके पास, कैश चल रहा है इसमें को कैश अकाउंट, तो कैश में ही ट्रांजेक्शन हो जाएंगे। तो 1,000 उन्होंने विड्रॉ कर लिया है हाफ अमाउंट, टोटल 3,000। अब आपने बनाना है इसमें मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि उन्होंने ना मेंशन किया है आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू को आपने चेंज नहीं करना है नई बैलेंस शीट में। उस केस में हम प्रिपेयर करके हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। तो सबसे पहले आप देखिए स्टॉक और फर्नीचर को डेप्रिशिएट करना है अपने 10%। टू स्टॉक टू फर्नीचर जिसे जबर 10% 1200 एंड 500 जो बैलेंस शीट में वैल्यू दिया उसका 10%। लाइबिलिटी क्रिएट करनी है बिल डिस्काउंट की, इतनी बिल डिस्काउंट हो गया होगा तो उसके अगेंस्ट आपकी लाइबिलिटी आ रही है, बैंक को पे करना है आपने। टू आप लिख सकते हैं लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंट की, जिसे जो फॉर अगेंस्ट बैंक 1300 एंड बिल्डिंग को वैल्यू कर गया 40,000 रुपये, बुक्स में है 25,000 की, उसमें गेन आ रहा है आपका बाय बिल्डिंग जिसे 15,000 का गेन हो गया हमें। बस यही आपके एडजस्टमेंट्स हैं। तो आप देखेंगे इसमें हमारा गेन हो रहा है अभी, प्रेजेंटली प्रॉफिट आ रहा है रिवैल्यूएशन का। तो जिसमें जो बिकमिंग 3,000 12,000 हमारा प्रॉफिट है, ये हम ट्रांसफ़र करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ओल्ड पार्टनर कौन है आपके ए बी सी, उनकी ओल्ड रेशो 1:1 फोर थ्री से जो आई थी 4,000 ईच राइट। अब इसको रिवर्स कर रखे हैं मेमोरेंडम में, अब ये सारी जो डेबिट किया वो क्रेडिट में चला जाएगा बाय स्टॉक बाय फर्नीचर बाय लाइबिलिटी फॉर बिल के स्टॉक में लिखा है मैंने राइट 1200 500 1300 और बिल्डिंग की वैल्यू भी वो डेबिट में आ जाएगी आपकी 15,000। अब आपका लॉस आ गया, ये ट्रांसफ़र होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, टोटल अब आपका है 15,000। 15 पहले आपका आ रखा 12,000 का प्रॉफिट, अब ये लॉस बन जाएगा। अब इसको चारों में डिवाइड कर दो, सबका इक्वल शेयर है ए बी सी की 1/4 3,000। सो ईच पार्टनर विल रिसीव 3,000। अब आपने बनाने हैं उनके कैपिटल अकाउंट्स, लेके सी फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए बी सी।
इसमें आपके फोर पार्टनर्स हैं, डी आर ए बी सी डी। सो ए बी सी डी, सो बाय ओपनिंग बैलेंस किसी 20, 15, 10, 20, 15, 10, और बी से आपको कैश मिल रहा है जिसे 16,000 वी रिसीव कैश फ्रॉम बी। इसमें गुडविल का शेयर ट्रांसफ़र कर लीजिए टू ए बी सी, गुडविल शेयर 6,000, ए बी सी को मिल जाएगा डी से गुडविल का शेयर गैटी 2,000 ईच। फिर उसमें से उन्होंने विड्रॉ कर लिया है टू कैश 1,000 ईच। फिर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है बाय रिवैल्यूएशन, 12,000 का प्रॉफिट का तीन में डिवाइड हो रहा था 4,000 ए को मिला था, बी को 4,000, सी को 4,000। फिर वो बन गया लॉस आपका टू रिवैल्यूएशन 3,000। इस तरीके से आपके अब नए बैलेंस ही आएंगे पार्टनर्स के। नाउ यू गेट व्हाट आर न्यू बैलेंस ओवर पार्टनर्स, टू बैलेंस है सी डी देखिए जिसे 26,000, 26 - 4 22,000, दिस वन इज 21,000, 21 - 4 17,000। सो दिस इज 16,000, 16 - 4 दिस इज 12,000, और उसका आ रहा है 16 - 9 7,000। एंड नाउ वी कैन प्रिपेयर बैलेंस शीट, लेगेसी बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। अब आपने एसेट्स और लायबिलिटीज की कोई वैल्यू चेंज नहीं करनी है, सेम रहेंगी आपकी। इट मीन्स अब आप देखिए आपके हैं कैपिटल्स, सबसे पहले हैं आपके कैपिटल ओके ए बी सी डी। न्यू कैपिटल इज 22,000, 17,000, 12,000 एंड 7,000। देन वी हैव बिल्स पेबल हैं, क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं आपके 3,000, 6,000 एंड क्रेडिटर्स। देन वी हैव कैश चेंज हो जाएगा आपका, कैश का बैलेंस देखिए 1,000 ये है और आपने नए पार्टनर से रिसीव किया है 16। फिर गुडविल का शेयर हाफ पे कर दिया अपने इनको 14,000 ये कैश। एंड देन डेटर स्टॉक फर्नीचर, डेटर्स हैं, स्टॉक हैं, फर्नीचर है, ये सेम रहेगा आपका। बिल्डिंग आएंगे बिल रिसीवेबल, तो किसी 10, 12, 5 यानी कि 25 - 1 लेकर सी टोटल। सो दिस मीनिंग अवर 9, 11, 10, 21 and 6, 27, 2, 67 हो गए। सो दिस वन इज अवर 30, 40, 43, 53, 67 इसी वाले बैलेंस। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, इसमें आपको दिया है गोपाल एंड गोविंद आर पार्टनर्स, गो पार्टनर्स हैं गोपाल एंड गोविंद एंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की 60:40 एंड फर्म बैलेंस शीट के लिए गिवन। सो बिल्कुल फाइनेंशियल डिफिकल्टी के एडमिट गुरु है के पार्टनर, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट किया है गुरु एक एडमिटेड है के पार्टनर। सो ऑन द फ्लोइंग टर्म्स तो ही विल बी पेड 40% की शेयर, उसका शेयर किया 40%। गुरु विल ब्रिंग इन कैश 10,000,000 कैपिटल एंड गुरु ब्रिंग्स रुपीज 1,00,000 कैपिटल। एंड गुडविल की वैल्यू क्या है, 2 ईयर परचेज ऑफ गुडविल की वैल्यू करेंगे हम, तो 2 ईयर से परचेज ऑफ जिसे जो एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर्स, तो 3 साल के प्रॉफिट दिए हैं आपको 3 ईयर्स, उसकी करनी है अपने एवरेज प्रॉफिट इतनी नॉर्मल।
So guru will bring in cash as a share of goodwill. So guru also brings a share of goodwill in cash. इतनी तो गुरु की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, फिर उसका जो शेयर है गुरु का वो कैश में लेकर आएगा. इट विल ऑल्सो डिसाइडेड दैट पार्टनर विल नॉट विदड्रॉ देयर शेयर ऑफ गुडविल नोर विल द गुडविल अपीयर इन बुक्स. तो गुडविल का शेयर वो विदड्रॉ नहीं करेंगे. प्रॉफिट गए हैं आपको पिछले 3 सालों के. अब देखो प्रॉफिट गए हैं आपको, ईयर गए रखा है आपको. मैं पहले क्वेश्चन ही ले लेता हूँ. 3 सालों के प्रॉफिट गए हैं 2014, 2015 and 2016. प्रॉफिट्स आर गिवन. तो किसी 20,000, 80,000 and 1,05,000. अब इसमें ना पर आपको एक और एडजस्टमेंट दी है. जैसे प्रॉफिट्स हैं हर सालों के, फर्स्ट ईयर जो प्रॉफिट है 2014 का, इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम 40,000 का. ये हमारी अब नॉर्मल इनकम है, तो वो हम गुडविल में कंसिडर नहीं करते. अब नॉर्मल इनकम वो माइनस है. वो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ था हमें 40,000 का, तो इंक्लूड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 40,000. ऐसी है सेकंड में, ये आपका ये लॉस है. पहली 80,000 की लॉस नेगेटिव है. एक में इंक्लूड है वॉलंटरी रिटायरमेंट कॉम्पनेशन पे, हमने एक VRS पे किया था, तो वो भी अब नॉर्मल आइटम है, उसको एड बैक कर दो. VRS पेड को लॉस में कितना था आपका 110,000. इतनी ये पॉजिटिव बन जाएगा आंसर. और इसमें भी इंक्लूड है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, वो भी माइनस कर दो. माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स. ये हमारी ना नॉर्मल आइटम्स होती हैं गुडविल के लिए, हम लेते हैं जो बिजनेस एक्टिविटी से प्रॉफिट आ रहा है, सिर्फ वही लेना है. इसलिए जो रिमेनिंग अब नॉर्मल है वो हमने कैंसिल करके नहीं है. 25,000 का प्रॉफिट है, ये आप कर लीजिए माइनस. तो एक तरीके से ये आपके आ जाएंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ऑपरेटिंग होता है बिजनेस एक्टिविटी से कितना प्रॉफिट आपको मिल रहा है. अब इसमें आपका आ गया लॉस, जैसे प्रॉफिट 30,000 एंड जिसमें नहीं गए 80,000. इसकी कर लीजिए आप एवरेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर्स, माइनस 20 + 30 + 80 डिवाइडेड बाई 3, 90 होंगे. किसी कमी 30,000, जिससे गुडविल आ जाएगी आपकी. देखो गुडविल 2 ईयर पर के 30,000, 60,000 आ गई. इसमें से आप कैलकुलेट कीजिए गुरु का कितना शेयर है. गुरु शेयर, उसका शेयर है 40%, 24,000. ये हम ट्रांसफ़र करेंगे गोपाल और गोविंद को उनकी सेक्रीफाइस रेशो में. तो इसलिए चेक करके हैं को हमने रिवेल्यूएशन भी की है, न्यू रेशो आपको दी है. देखो गोपाल गोविंद एंड गुरु, उनकी आपको दी है न्यू रेशो प्रॉफिट शेयरिंग. सो किसी के गिवन को भी 35:40, विच मीन्स बाय टोटल हो गया आपका 100. तो चेक करके सेक्रीफाइस कितना है आपका. गोपाल सेक्रीफाइस पुराना शेयर है उसका 60/100, अब न्यू शेयर है 35/100. तो इट मीन्स जिसे 25/100 यानी कि गोविंद सेक्रीफाइस, उसका पुराना शेयर है 40/100, न्यू शेयर है 25/100, 15/100. तो ये रेशो आ गई आपकी सेक्रीफाइस रेशो 25:15. 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5:3. तो इस रेशो में जो उसका गुडविल का शेयर है ये आपने उनको ट्रांसफ़र करना है पार्टनर्स को. एंड गैर आस्टिंग पास है एंक्रेज करनी है, आपको प्रिपेयर करना है रिवेल्यूशन अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और फिर आपको बनानी है नई बैलेंस शीट. तो लेटेस्ट अगर पहले देखिए कैपिटल की एंक्रेज क्या होंगी आपकी, ठीक है. अब देखो वो कितना कैश लेके आ रहे हैं कैपिटल में. कैपिटल खा गया आपका 1 लाख, कैश अकाउंट डेबिटेड टू गुरु कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल है 1 लाख का प्लस 24,000 की गुडविल आपको मिल रही है कैश में. गुडविल का शेयर आप ट्रांसफ़र कर लीजिए गुरु टू गोपाल टू गोविंद, रेशो आएगी आपकी 5:3.
सेक्रीफाइस रेशो में गुडविल है आपकी 24,000 डिवाइडेड बाई 8, 3 × 5, 15 एंड ये 9,000। अब ये इन्होंने विड्रॉ भी निकली है। अब आपको बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज को रिवैल्यू कर रहे हैं। तो वो फिक्स एसेट्स की वैल्यू हो गई है 4 लाख, पहले की 3 लाख, तो उसमें इंक्रीज हो गए हैं बाई फिक्स एसेट्स 1 लाख, जिसे प्रॉफिट कौन। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू नील हो गई है, तो इसमें लॉस हो गया है इन्वेस्टमेंट्स 50,000। करंट एसेट्स की वैल्यू 180, इसमें लॉस हो गया है 2 करंट एसेट्स 20,000 का। यानी लोन्स एंड एडवांसेज की वैल्यू आपकी सेम है और कोई चेंज नहीं है, बस आपका यही एडजस्टमेंट्स लिए आपके। तो इट मीन्स जैसे जो प्रॉफिट ये क्या लगेगा कैपिटल अकाउंट्स में, प्रॉफिट गोपाल एंड गोविंद उनकी पुरानी रेशो में 3:2 है, इसकी बन गई 3:2। तो आपका आ रहा है 70,000, 30,000, 30 को आपने किया डिवाइड 5 से 6, 18,000 एंड 12,000, टोटल यू 1 लाख। अब आप बना सकते हैं कैपिटल अकाउंट्स, लेगेसी कैपिटल अकाउंट्स। अब तीनों के नाम जी से चल रहे हैं इसमें, तो शोज में लिखी हैं पहले जैसे गोपाल, जैसे यू गोविंद एंड जैसे यू गुरु, यानी कि यू गोपाल गोविंद एंड यू गुरु बाय बी डी ओपनिंग बैलेंस। तो किसी गिवन 120,000 देन बाई कैश आपको मिल रहे हैं 124, फिर गुरु से इनको मिल रही है गुडविल 15,000 एंड 9,000। और इसकी गुडविल ट्रांसफ़र हो रही है टू गोपाल एंड टू गोविंद जिसे जो 24,000। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट के लिए 18,000 एंड 12,000। बस अब आपकी नई बैलेंस ही आ गएंगे कैपिटल के, को बैलेंस ही भी जिस मैंने जो कमिंग को भी 33,153,000 80 + 21, 101 124, 153, 101 और इसका बैलेंस है 1 लाख। अब आप बना सकते हैं बैलेंस शीट ओपन न्यू फॉर्म। देखिए कैपिटल हो गए सबसे पहले गोपाल गोविंद गुरु, यानी कि लॉन्ग टर्म लोन है आपका, लॉन्ग टर्म लोन एंड करंट लाइबिलिटीज कैपिटल 153,000, 101,000 एंड 1 लाख। लोन्स आपके सेम है रुपीज 2 लाख 250, और एसेस में फिक्स एसेस की वैल्यू हो गई है अब 4 लाख। इन्वेस्टमेंट्स की 0 हो गई है, करंट एसेट्स की वैल्यू हो गई आपकी 180। तो 180 एंगल लोन से गवान से इसी में कैश भी होता है, को कैश है कर रखे हैं, कैश मिला हमें 124। 180 चलो कैश हम या अलग से ऐड कर रखे हैं 124 जो नए पार्टनर से आपको मिल रहे हैं। एंड यानी कि लोन से गवान से ये आपकी सेम है 1 लाख की, तो लेके सी वकील के टोटल ऑफ बैलेंस शीट। तो जिस मैंने जो 4, 8, 2, 0, 1, 8, 8, 0, 4,000 3 + 1, 4, 5, 5, 0, 2, 2, 6, 2, 8, 8, 0, 4,000 ये जो बैलेंस शीट। तो दिस वाज ऑल अबाउट एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर।